नैना, हमें ज्यादा अरसा नहीं हुआ मिले हुए, लेकिन ऐसा लगता है सारी जिंदगी से तुम्हारा इंतजार था। वैसे सच कहूं तो मुझे भी इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन जब मैंने अपना फाल निकलवाया तो उस फाल में मैंने तुम्हें किसी और लड़की के साथ देखा जो मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा, और तुमने उस फाल पर यकीन भी कर लिया। वैसे मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम सब कुछ भूल जाएं। नैना, आज मेरा मूड बहुत खराब था और मैंने तुम्हें पता नहीं क्या क्या कह दिया। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी कोई बात बुरी लगी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। मेरे ख्याल से स्कूल में भी शादी से रिलेटेड स्ट्रेस के बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता होगा तो हो सकता है शादी के वक्त हमसे कुछ गलत हो जाए। मुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है नैना। अगर तुम भी मुझ पर भरोसा। सिनान, मुझे तो खुद पर ही भरोसा नहीं है, तो बेहतर यही होगा कि तुम ये भरोसे वगैरह की बात छोड़ ही दो। नैना, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। एक पत्थर खो गया। नहीं है इसमें। कौन सा पत्थर? हद है यार, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? बहुत मायने रखती है अंगूठी मेरे लिए। अभी तक तो वो पत्थर इसी में था यार। कहाँ खो गया? यहीं कहीं होगा। यार लाइफ से अच्छा तो ये था कि मैं ये अंगूठी पहन कर ना आती, घर में रख के आती इसे। सच तो ये है कि मैं इस अंगूठी के लायक ही नहीं हूँ। अब मैं तुम्हारी अम्मी को क्या जवाब दूंगी? इतने प्यार से उन्होंने मुझे ये अंगूठी दी थी। उफ। ठीक है, और ये हमें मिल गया, परेशान ना हो तुम। ये लो, ख्याल से। मेरी जान हो तुम। ओह रियली? अच्छा एक बात तो बताओ सिनान, अगर मैं इसका कुछ करूं तो क्या करूं? समझ नहीं आ रहा। अगर तुम चाहो तो मैं इसे अपने माथे पर लगवा लेती हूं, क्या कहते हो तुम? हाँ नैना, इस वक्त कोई और बात नहीं। काफी टाइम हो गया हमने साथ डांस नहीं किया। आज सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं।